विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच समन्वय के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हो गई। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक नई दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के आवास पर हुई। इंडिया गठबंधन की रणनीति और भविष्य के कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। कोऑर्डिनेशन कमेटी की इस बैठक में अभिषेक बैनर्जी शामिल नहीं हुए। अभिषेक को ईडी ने समन कर पूछताछ के लिए बुलाया था। सीपीआई से कोई नेता बैठक में शामिल नहीं हुए। जेडीयू नेता ललन सिंह की तबीयत खराब होने की वजह से बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक में हिस्सा लेने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी में कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल, एनसीपी से शरद पवार, डीएमके से टीआर बालू, शिवसेना यूबीटी से संजय राउत बैठक में शामिल हुए। आरजेडी के तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में शामिल हुई। आपको बता दें कि भोपाल में इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली होने जा रही है जो अक्टूबर के पहले सप्ताह में होना है। मीटिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन आगे का उस दिन का इंतजार करें, उस दिन चुनाव में सब बराबर अब उस दिन का संदेश तो उसी दिन पता चलेगा। फिलहाल आज का संदेश की बात है जो आज हम लोगों ने आपके समक्ष और आपके माध्यम से देश को बताने का काम किया। राष्ट्र संसद पर क्या सहमति बनी है इस तरह के आगे बढ़ने? इस विषय पर अलायंस ने इस बात को संज्ञान में लिया है। आज कुछ लोग नहीं आ पाए जिसको लेके इसका इस पर पूरा डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ। ममता बनर्जी विरोध में रही है उनकी पार्टी के। अरे वही तो बात है कि सभी चीजों सभी समस्या का समाधान है, सभी इलाज सभी बीमारी का इलाज है। तो जब ममता जी के समूह के लोग आएंगे तो ये बातें भी पटाखे हो जाएगा। जो मुद्दे हुए वो ज्वाइंट स्टेटमेंट के माध्यम से आपको बताया गया, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जल्द सीट शेयरिंग समाप्त की जाएगी, भोपाल में बैठ एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा और कास्ट सेंसस पर मोहर लगेगी। और उसमें जो करप्शन के बड़े बड़े घपले हैं अडानी को लेके और दूसरे जो इनके भोपाल में जो मध्य प्रदेश में बड़े बड़े घपले हुए हैं, जो उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे नौजवानों को, उसके बारे में बात होगी। महंगाई के बात में बात होगी। 400 से गैस सिलेंडर 1200 रुपए कैसे पहुंच गया उसके बारे में बात होगी। और ये जो 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 भी इस वक्त जो इश्यूज है उस पर बात होगी। और साथ में जो मीडिया है जिसको जो खासकर गोदी मीडिया की बात मैं कर रही हूँ, उसमें कुछ जो ऐसे एंकर्स हैं जो बिल्कुल एंटी इंडिया जो अलायंस है उनके खिलाफ होते हैं, तो वहां हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वहां नहीं जाएंगे, इसका फैसला हुआ।